लेकिन आईटी में जो स्ट्रेंथ आई है उससे मैं अपनी बातचीत शुरुआत करूंगा अभिषेक बासु मलिक के साथ, क्योंकि अभिषेक उस स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और अभिषेक अभी से नहीं काफी समय से करते आए हैं। आज हमारे साथ इंटेल सेंस कैपिटल के कोलकाता से एक नए गेस्ट आए हैं, बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव, हमारे साथ कई बार ईटी नाउ पे बातचीत करते आए हैं, तो ईटी नाउ स्वदेश में भी आज उनका डेब्यू हो रहा है। अभिषेक शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। आप एक खालिस स्वदेशी फंड मैनेजर हैं और जो स्वदेश का एसेंस है कि देश भर के बियॉन्ड मेट्रोज भी स्मार्टेस्ट माइंड, स्मार्टेस्ट बिजनेसेस, एफिशिएंट बिजनेसेस, उन सबको शोकेस करें यहाँ, क्योंकि देश सिर्फ चार छह बड़े शहरों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, देश बहुत बड़ा है। तो इसमें आपका स्वागत है। आप मुझे बताएं कि आईटी में जो हमने अभी तो खैर मजबूती आ रही है लास्ट 2 दिन से, जो नरमी देखी थी वो कितनी जस्टिफाइड थी, एचसीएल टेक ट्रिगर्ड जो थी, अभी इस भाव से लेना चाहिए? एकदम एकदम जस्टिफाइड थी अजय, क्योंकि अगर हम देखें लास्ट 5-6 महीने से काफी खराब माहौल है, स्पेशली जो क्लाइंट्स है आईटी के, यूरोप में, अमेरिका में, वहां का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है काफी खराब और एक्सपेक्टेशन भी खराब है उनका। तो ऑब्वियसली जब एक्सपेक्टेशन खराब होता है तो पहले चीज क्या होता है कि आईटी कंपनी में वो अपना लोकल, अपना जो इंटरनल ट्रैवल वगैरह ये सब रोक देते हैं। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें थोड़ा कमी करते हैं। तो इसका सब रन ऑफ इफेक्ट आता है इंडियन जो आईटी सर्विसेज कंपनीज है। सो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ आईटी सर्विसेज कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये एक एक स्पिल ऑफ इफेक्ट आता है। और मेरे हिसाब से वो अभी चल रहा है, वो चलेगा जब तक थोड़ा सा मामला या जो माहौल है यूएस में या यूरोप में थोड़ा सा संभल ना जाए, जब तक उनको उन कॉन्फिडेंस, बिजनेस कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ हमारा स्थिति खराब नहीं है या इससे बेहतर होगी, तब वो फिर से दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, फिर से हमारे यहाँ जो सर्विसेज कंपनीज है उनका प्रोजेक्ट्स वगैरह फिर से चालू होंगे। तब तक जो बिजनेस में जो एक स्लगिशनेस है वो रहेगा। ठीक है, बिल्कुल अभिषेक, यहाँ तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू आपका दिख रहा है आईटी पे, लेकिन इसके अलावा और कौन से स्पेसेस आपको पसंद आ रहे हैं जहाँ आप ऐड करेंगे? देखिए सिंपल, अगर आप पूरा इंटरनल कंजम्पशन देखते हैं इंडिया में तो काफी हद तक जो गवर्नमेंट लेड कैपेक्स है उसमें काफी स्ट्रेंथ है। प्राइवेट केपेक्स पीएलआई के कारण काफी आ रहा है धीरे धीरे। चाइना प्लस वन इज डेफिनेटली अ इम्पोर्टेंट थीम, तो वो पूरा लेके अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, रेलवेज, ये एक एक थीम होता है। फिर रियल एस्टेट लेड जो ग्रोथ है, रियल एस्टेट और रियल एस्टेट के जो फीडर स्टॉक्स हैं या फीडर सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपका सैनिटरी वेयर हो गया, प्लाईवुड हो गया, इस टाइप के सेक्टर्स में भी काफी इंटरेस्ट है। मुझे तो लगता है अभी थोड़ा जो जो थोड़ा सा डार्क हॉर्स है जो कोई इतना बात नहीं कर रहा है, दैट इज फार्मा। तो फार्मा और एफएमसीजी में भी लगता है मुझे कि थोड़ा थोड़ा अभी टर्न अराउंड आ रहा है। एफएमसीजी में इनपुट रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी कम हो गया है। फार्मा में यूएस एफडीए के जो जितने भी इंस्पेक्शंस हैं वो उनका पेस बढ़ गया है, सेल्स आर इंप्रूविंग। तो ये दो सेक्टर्स जो अभी चर्चे में नहीं है वो थोड़ा सा, अगर जिसका लंबा निवेश का अवसर है वो देख सकते हैं ये सेक्टर्स। का आप सेक्टर स्पेसिफिक अपना नजरिया हमें बता रहे हैं, इकोनॉमी पर एक बार आप अपना टेक भी हमारे साथ शेयर कीजिए। इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अनाउंसमेंट देखा और आज देर रात यूएस फेड की तरफ से भी इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट्स होते हुए दिखेंगे। 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक एंटिसिपेटेड है, ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, लेकिन नजर जो है वो कमेंट्री पर रहेगी। अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे, और अगर कमेंट्री डविश आ गई तो सेंटिमेंट्स और ज्यादा बुलिश हो सकते हैं मार्केट्स के लिए। आप क्या रीड करते हैं? तो अजय ने जो शुरुआत में कहा वो एकदम 100% सही है कि आरबीआई, यूएस फेड या सारे सेंट्रल बैंक्स, उनका जो पॉलिसी है वो एक तरफ है, उनका जो कमेंट्री है दैट इटसेल्फ इज आल्सो अ टूल।
वो भी वो एक वो यूज करते हैं उसको कि एक मैसेज देने के लिए कि आप हम ऐसा चाहते हैं। तो कई हद कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ बताते हैं कि देखो हम हमको लगता है कि ये होने वाला है और मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करता है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में यूएस में दोनों साइड में इन्फ्लेशन मोर और लेस टॉप आउट हो गया है। अगर हम ग्लोबल कमोडिटीज की तरह भी देखते हैं तो कमोडिटीज का प्राइसेस जो पहले जो पीक हुआ करता था आज से 6-7 महीने 1 साल पहले वो काफी हद तक कम हो गया है। इंटरेस्टिंग चीज अभी ये इसमें ये देखना है कि चाइना 2 साल के बाद प्रॉपरली कोविड से अभी बाहर आ रहा है और वो बहुत जल्दी आ रहा है। ये लास्ट 2-3 दिन का जो अभी घटना हो रहा है अभी वहां पे देखना है कि हाँ चाइना अगर कंप्लीटली कोविड रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ जाता है तो वो कितना इंपैक्ट करता है कमोडिटी प्राइसेस पे। उस पे डिपेंड करेगा कि इन्फ्लेशन यहाँ पे रुकता है या इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे और नीचे आएगा। मेरे हिसाब से अगर हम 2-3 महीने का एक व्यू लें तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन मोर और लेस पीक आउट हो गया है और इससे शायद थोड़ा नीचे ही होगा आगे के दिनों। अभिषेक, पीएसयू बैंक्स भी मैंने लिस्ट में देखे आपके जो आपको पसंद है। पीएसयू बैंक्स में दो वैरायटी है, एक यूनियन बैंक, कैन बैंक, बीओबी, बिग वंस, मतलब एब्सोल्यूट बिग वन नहीं बट मिड टियर, और बाकी छोटे वाले जो 2-3x हो गए उधर ज्यादा एक्साइटमेंट है, जेएनके बैंक वगैरह। आप किस किस साइड पे टिल्टेड है? एक्चुअली बैंकिंग में मैं हमेशा थोड़ा सा बड़ा और कंजर्वेटिव जो है उसके साइड में टिल्टेड रहता हूँ। पीएसयू बैंक्स में मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू मेरा बुलिश है, शॉर्ट टर्म व्यू मेरा शायद थोड़ा सा ज्यादा कंजर्वेटिव है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये जो पीएसयू बैंक है वो काफी भाग चुके हैं तो देर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट करें और मे बी थोड़ा सा करेक्ट भी करें। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉटस रहना चाहिए बट लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म एज इन 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि काफी सारे बैलेंस शीट जो है वो क्लीन अप हो चुके हैं तो लॉन्ग टर्म में क्रेडिट साइकिल अगर पिकअप करता है तो सारे जो बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, वो अच्छा करेंगे। राइट, एब्सोल्युटली अभिषेक। अभिषेक, लेकिन ऑटो पर क्या व्यू बन रहा है? हमने देखा के कैटेगरी ऑफ ऑटो सेगमेंट जितना भी प्रीमियमाइजेशन का जो जो बास्केट था वो तो काफी चला, लेकिन रूरल एक्सपोजर वाले जो टू व्हीलर स्पेस थे या फॉर दैट मैटर आपके एग्री इक्विपमेंट्स वाले जो स्पेस थे वहां पर इतनी मूव नहीं आई, वहां पर आपको क्या रिवाइवल दिखते हैं? देखिए सिंपल चीज है, कोविड में लास्ट 2 साल में हमने ये देखा है कि जो इनकम है या जो वेल्थ इफेक्ट है, स्पेशली वेल्थ नहीं बोलूंगा इनकम है, वो काफी हद तक रूरल एरियाज में डिसरप्ट हुआ है या जो एसएमईज है, जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं उनमें डिसरप्ट हुआ है तो इनकम उनका काफी इंपैक्टेड है। सो इसलिए आप टू व्हीलर देखेंगे या कोई भी रूरल प्ले देखेंगे वहां पे, इनफैक्ट एफएमसीजी में भी अभी वही सेम स्टोरी हमको पता लग रहा है कि रूरल कंजम्पशन में इंपैक्ट है। उल्टा हम अगर देखते हैं कि हाई एंड कंजम्पशन एसयूवी अगर हम देखें तो वो या इलेक्ट्रिक कार्स टाटा मोटर्स के या कहीं वो काफी अच्छा उनका बिकवाली हो रहा है तो ये एक पैटर्न है। कब ये चेंज होगा ये बताना बहुत मुश्किल है बट मानसून ठीक ठाक रहा है। इनफैक्ट इंडिया में आई थिंक 2-3 साल लगातार मानसून ठीक रहा है, कोविड से हम लोग कंप्लीटली शायद अभी बाहर आ चुके हैं तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि नेक्स्ट 2-3 महीने 6 महीने में रूरल इकोनॉमी भी पिकअप करेगा। वन लास्ट थिंग टू यू, एंटायर सीमेंट पैक, बी इट बिग मेजर प्लेयर्स या फिर मिड कैप सीमेंट प्लेयर्स, अच्छा एक्शन यहां पर दिख रहे हैं। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के डायनेमिक्स को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन इन दी सेक्टर नजर आया है, बिग प्लेयर एंट्रीज देखने को मिली है और पोस्ट फेस्टिव सीजन गवर्नमेंट के साइड से और प्राइवेट साइड से भी पिकअप एंड डिमांड लगातार नजर आएगा, ये एंटिसिपेशन है सीमेंट सेक्टर के लिए? क्वार्टर भी पिछला अच्छा रहा। देखिए सीमेंट में दो चीज हो रहा है एक साथ, जैसे आपने बताया, एक तो कंसोलिडेशन, 2-3 कंसोलिडेशन अभी ऑलरेडी हो चुका है लास्ट 1-2 महीने में तो वो एक मेजर मेजर
ट्रेंड है, दूसरा ये है कि डिमांड पिकअप हो रहा है। बट डिमांड पिकअप के साथ हम जो देख रहे हैं वो ये है कि जो प्राइसिंग है वो उतना पिकअप नहीं हो रहा है, तो दैट इज द सेकेंड पार्ट। तीसरा चीज ये हो रहा है कि जो कंटिन्यूअसली केपेक्स आने की उम्मीद है रेलवेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवेज में, रियल एस्टेट में, ये सब सीमेंट इनका रॉ मटेरियल है, तो डिमांड मेरे हिसाब से काफी स्ट्रांग रहने वाला है। सप्लाई में कंसोलिडेशन हो रहा है, तो एक एक शॉर्ट पीरियड में मैं अभी मतलब नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर तो बोलूंगा कि सीमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू सीमेंट में लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी सेक्टर बहुत डायनामिक हो गया है, क्योंकि कल क्या होगा, कौन सा मर्जर एक्विजिशन होगा वो पता नहीं है। बट उसमें भी अगर आप पिन पॉइंट कर सकते हैं जोनल प्लेस, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो गया काफी अच्छा काम हो रहा है, नॉर्दर्न इंडिया में, या जोन स्पेसिफिक अगर आप देखें तो उसमें फिर आपको आप पैसा फिर निवेश कर सकते हैं। और राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये एनालिसिस और अपने पसंदीदा सेक्टर सब में उन पर क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी। बढ़ेंगे आगे और आप चले बाजार।